नेक्स्ट हमारी टाइप है प्रोडिक्टिव एनालिसिस की जिसमें हमारा फोकस होता है कि क्या होने वाला है व्हाट विल हैपन इसके इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना हम एक एग्जांपल एक लेते हैं आप यूं समझें कि आपने कोई दो ड्रेसेस बाय किए हैं आपकी जो सेविंग्स थी उससे इस साल में अब अगले साल आपकी जो है वो सैलरी इनक्रीज हो जाती है तो क्या आप क्योंकि अभी जो आपकी सैलरी थी

अब पहले दो थे अब आपकी सेलरी इंक्रीज हो गई है तो अब आप चार ले लेंगे क्योंकि आप इसके अलावा के जो दूसरे फैक्टर्स हैं आप उनको भी देखेंगे ठीक है अब वो जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो दूसरे वेरिएबल्स हैं जिसकी बेस के ऊपर आप एनालाइज करके फिर डिसे लेंगे फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन आपकी जो सैलरी डबल हुई है क्या उसकी वजह है इन्फ्लेशन थी डेफिनेटली अगर इन्फ्लेशन होगा तो आप चार तो तो नहीं करेंगे शायद दो ही करें या एक पर आ जाएं डिपेंड करता है फिर क्या आपको जरूरत है मतलब आप वेदर वेदर चेंज हो गया वेदर की वजह से भी शायद आप ड्रेसेस ना लें आप जैकेट ले लें या कुछ कोई और चीज ले लें तो जो दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो, होते हैं उसकी वजह से आपका डिसीजन चेंज होता है सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यू नहीं होता जिसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन लें ठीक है तो ये तो हमें पता चल जाएगा कि वट विल हैपन बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा आपने पहले जो है आप दो ड्रेसेस ले रहे थे जो भी आपकी करंट सेविंग्स थी उसमें से अब आप आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई है सैलरी इंक्रीज मतलब आपकी सेविंग्स भी थोड़ी ज्यादा हो रही होंगी तो इसकी वजह से आप दो की वजह चार ड्रेसेस लें नहीं इसके अलावा की जो फैक्टर्स हैं वो देखने पड़ते हैं देन वी विल डिसाइड कि क्या होगा और क्या आप ड्रेसेस बाय करेंगे या नहीं करेंगे और क्या पता आपके वो ड्रेसेस पड़े हुए हो तो आप ज्वेलरी ले रहे हैं या शूज ले रहे हैं कोई और चीज़ ले रहे हैं अच्छा ये जो हमारी एनालिसिस ना प्रोडिकटिव एनालिसिस ये हमेशा हमारा करता है, जो है। उसके साथ साथ हम इसमें ये भी करते हैं कि और जो उससे उसके साथ हम फिर एडिशन करते हैं प्रोडिक्टिव एनालिसिस की जिसके अंदर हमारे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स और उनकी टेक्निक्स आ जाती हैं तो ये हमें होलिस्टिक व्यू कवर करना होता हैज

ये फॉरकास्टिंग जो है इट्स जस्ट एन एस्टिमेशन एस्टिमेशन ये खाली है आप अपनी राय जनरेट कर रहे हैं अपनी राय कायम कर रहे हैं कि कल को ये होने वाला है अगर पिछले तीन दिन से बारिश हो रही है हम कहते हैं कल भी बारिश होगी ठीक है बेस अगर हम हम टेम्परेचर नहीं देखते और हम सिर्फ इस बेस के ऊपर बात करते हैं कि हमें ठंड में ज्यादा महसूस हो रही है या हम हमारे इलाके पर बारिश हुई जा रही है या हर अ, चार पांच घंटों के बाद बारिश हो रही है तो उसकी बेस के जो के जो है 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 ना आप आप करें कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर कि पीछे ये बार बार बारिश होती रही है, इतने वक्फों हाउ मच डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यू हैव एंड हाउ मच यू टेक जितना डेटा हमारा रिफाइन होगा डेटा सेट का उससे हमें आइडेंटिफाई वो उतना हमें अच्छा आ, हम अच्छे रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं तो उसकी बेस के ऊपर क्योंकि देखें अगर आपके पास हरी दो वेरिएबल्स हैं लेट्स से टेम्परेचर है और लेट्स से मेयरमेंट ऑफ द रेन है रेनफॉल की जो मेयरमेंट है वो है उसकी बेस के ऊपर अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि वेदर के अंदर रेन होगी या नहीं होगी तो ये दो एरिया हैं खाली इन दो के ऊपर आप कह रहे हैं तो वो बहुत लिमिटेड है अब आप बीच में ह्यूमिडिटी ले आए हैं अब आप बीच में एयर को ले आए अब उसकी आएंस वगैरह को ले आए फील लाइक like को ले आए बहुत सारे तो खाली उसमें दो तीन चीजें नहीं होती उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिस सबको कंसिडर करते हैं वो डिसीजन ले रहे होते हैं तो जितना डिटेल्ड डेटा होगा आपका यहाँ पर डिटेल इंफॉर्मेशन से मतलब यही है कि जितना डिटेल्ड डेटा होगा दैट हेल्प यू टू गेट

अगले दो दिन बारिश हुई है तो दैट्स मीन आप हंड्रेड परसेंट एकूरेट थे क्योंकि हो गई है लेकिन अगर उन दो दिनों में से सिर्फ पहले दिन बारिश रही है तो आपकी एक्यूरेसी फिफ्टी परसेंट होगी क्योंकि दो में से एक दिन हुई है तो वन बाई टू अगर हम उन दो के ऊपर बेस कर रहे हैं एवरेज आउट कर रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी फिफ्टी परसेंट थे तो लोग कह सकते हैं कि योर एक वॉज जस्ट फिफ्टी परसेंट ठीक है तो यही सेम कन्सेप्ट जो है हमारे प्रोडिक्टिव एनालिसिस के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं